हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीता। गीता किचन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता। इसे खा के आप कहोगे पहले क्यों नहीं बताया। इसके लिए चाहिए हमें हाफ बाउल सूजी। पैन गरम करते हैं और इसमें हाफ बाउल पानी ऐड करते हैं। जितनी सूजी है उतना पानी लिया है। दो चिली को काट के लिया है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर लिया है, हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट लिया है। अब इसमें हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं। इस सब सामान को अच्छे से मिक्स कर देते हैं जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। अब इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किया है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है और थोड़ा सा लेमन जूस टेस्ट के अनुसार ऐड करते हैं। अब इसमें बॉईल आ गया है। अब इसमें सूजी को स्टिर करते हुए मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। अब गैस बंद कर दी है, 2 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। हमने 3 आलू लिए हैं जिन्हें अच्छे से उबाल लिया था और 2 घंटे फ्रिज में लगा दिया था। अब इसे हम कसनी की सहायता से कस लेते हैं, चाहो तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। और मैश आलू को आपस में मिला देते हैं। सॉल्ट, हरा धनिया डालते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालकर अच्छे से एक स्मूथ डो बना लेते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून अब ऑयल ऐड करते हैं और इसका एक अच्छा सा डो बना लेते हैं। अब प्लेटफॉर्म पर लेकर थोड़ा सा तेल डालकर इसे अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं और इसकी लोई तोड़कर इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। इस तरह हमने सारी बॉल्स को बनाना है। अब हमने सारी बॉल्स बना ली हैं, हमारी बन के तैयार हो गई हैं। अब सिलेरी बनाते हैं। सिलेरी के लिए 2 स्पून अरारोट लिया है, कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट लिया है। आप चाहो तो नॉर्मल सॉल्ट ले सकते हैं। और इसमें इसमें चुटकी भर फूड कलर ऐड किया है, इसकी जगह आप हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। अब पानी की सहायता से इसकी एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे। अब इसमें 1/2 टीस्पून पुदीना पाउडर डाला है, इसकी जगह आप फ्रेश पुदीना भी डाल सकते हैं। ये हमारी स्लरी बनकर तैयार है। अब हमने एक बाउल कॉर्नफ्लेक्स लिया है जिसे हमने मिक्सर जार में डालकर एक इसका दरदरा पाउडर बना लिया है। यदि ये ना हो तो आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। अब एक एक बाउल को हम सिलेरी में डालेंगे और कॉर्नफ्लेक्स से कोट करेंगे अच्छे से। अब ये इस तरह से हम सारे बॉल्स को कोट कर लेते हैं। अब हम इसे शैलो फ्राई करते हैं मीडियम फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे, नहीं तो ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अभी इन्हें हमें टच नहीं करना है, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। इस तरह से इन्हें स्टर करेंगे। अब ये नीचे से सेट हो गए हैं, हम धीरे धीरे अब हम इन्हें पलट पलट कर सेकते हैं जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। कितना सुंदर कलर आया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, सर्व करते हैं। ये देखने में जितनी सुंदर है खाने में उतनी ही टेस्टी है। ऊपर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार इन्हें बनाकर देखी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।